तो मैं इतना अच्छा और अट्रैक्टिव थंबनेल और वो भी HD क्वालिटी का थंबनेल कैसे बनाता हूँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी वीडियो में सारा प्रोसेस समझाऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप भी अगर अपना अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और आप अभी उतनी अच्छी तरीके से थंबनेल नहीं बना सकते तो मैं आज आपको बताऊंगा और काफी अट्रैक्टिव थंबनेल आप बनाने को आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि इसी वीडियो में आपको सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। हेलो गाइस, मेरा नाम ऋतिक दिवे और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों ये मेरा ब्लॉग वाला चैनल है, उसका भी लिंक मैं आपको यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैं डेली लाइफ स्टोरी आप सभी के बीच शेयर करता हूँ। तो दोस्तों उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और समझते हैं सारा प्रोसेस, जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए काफी अच्छे तरीके से थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों थंबनेल बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों पिक्सल लैब। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही पिक्सल लैब है, इसे मैं दोस्तों अब ओपन करता हूँ। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो इसका लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों पिक्सल लैब, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इमेज साइज आपको दिखा रहा है, इमेज साइज पर दोस्तों आप इसे यहाँ ऊपर देखिए दिखाई दे रहा है दोस्तों कस्टम का, इसे आप दोस्तों कर लीजिएगा यूट्यूब थंबनेल, उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है न्यू टेक्स्ट, इसे आप दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों डिलीट का ऑप्शन, इसे आप दोस्तों यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद दोस्तों अब इसे यहाँ से आप ये आपके यूट्यूब थंबनेल के आकार का बन गया है। अब इसमें दोस्तों हमको भरना है कलर, कलर कैसे भरेंगे, कलर का ऑप्शन इसे आप दोस्तों इसे प्रेस कर लीजिए और यहाँ से अपना कोई मन चाह कलर आप यहाँ से भर सकते हैं, जो मन कहे आप दोस्तों यहाँ से कोई भी कलर आप भर सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्लू कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है तो मैं इसे दोस्तों अधिकतर यूज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसे ओके कर दीजिए। तो दोस्तों अब बात आती है कि इसमें अपना मैं अपने चैनल का लोगो कैसे लगाऊँ, अपना फोटो खुद का अपना फोटो कैसे लगाऊँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीच में आपको एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, इसे आप इसे प्रेस कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है इंपोर्ट का ऑप्शन, इंपोर्ट के ऑप्शन जैसे ही आपको दोस्तों दिखाई देगा तो आपका गैलरी खुल जाएगा, आप यहाँ से जो मन चाहे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का, जैसे आपने इसे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दिया, यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा जैसा मतलब करना चाहते हैं घुमाना सा चाहे फ्लिप करना चाहे जो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों अब इसे अपने छोटा बड़ा जितना आप चाहे दोस्तों आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें जो दोस्तों बहुत से यूट्यूबर यूज करते हैं कि अपने फोटो के किनारे किनारे दोस्तों एक मतलब व्हाइट कलर का एक आउटलाइन लगा देते हैं, वो कैसे लगाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ दोस्तों जैसे ये बीच में आपको यहाँ पर इसे आपको अपने फोटो को क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर इसे स्लाइड करते चले जाइए और स्लाइड कर जैसे ही दोस्तों आप इसे करेंगे तो आपको दोस्तों एक दिखाई देगा, एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्ट्रोक नाम ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसे आप वहाँ से प्रेस कर लीजिए। प्रेस करेंगे दोस्तों तो इसे आप इनेबल कर दीजिए। अब दोस्तों देख सकते हैं ये पहले से ही व्हाइट लाइन है, व्हाइट कलर का आउटलाइन यहाँ पर लग चुका है दोस्तों। और अगर आपका मन ये व्हाइट कलर आपको नहीं यूज करना है और कोई कलर यूज करना है तो आप यहाँ से कोई कलर ब्लैक व्हाइट ब्लू ग्रीन आप जो मन कहे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अधिकतर यूज करता हूँ व्हाइट कलर और इसे दोस्तों फिर इसके बाद ओके कर दीजिए। दोस्तों बात आती है कि आप अपने थंबनेल में कोई टेक्स्ट कैसे लिखें। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए, यहाँ पर दोस्तों आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ए नामक ए आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक जैसे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे टेक्स्ट और क्वेट्स, तो आपको क्या करना है टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और दोस्तों ये कुछ ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट न्यू टेक्स्ट, इसे आप डबल टैप कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप डबल टैप करेंगे तो इसे आप तुरंत डिलीट कर दीजिए और जो भी मन कहे आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ अपने चैनल का नाम रेड टेक। दोस्तों मैं अपना यहाँ पर सारा काम करूँगा, आप वैसे ही दोस्तों उसे फॉलो कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं करूँगा उसे वैसे ही आप वैसे फॉलो करते चले जाइए। और दोस्तों ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दिया, अब इसमें दोस्तों आप स्टाइल भी लगाना चाहें तो आप स्टाइल भी लगा सकते हैं।
दोस्तों मैंने आपको यहाँ छोटा सा बस ऐसे क्लिप बता दिया कि आप यहाँ से कोई चीज़ आप ना यहाँ पर टेक्स्ट लिखकर यूज कर सकते हैं और थंबनेल बना सकते हैं। अब दोस्तों जब आप पूरा प्रोसेस कर लेंगे, प्रोसेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन यहाँ पर, जिसे आप प्रेस कर लीजिए। प्रेस कर लीजिएंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का पॉपअप आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों जब अपना थंबनेल आप बना लेंगे तो उसे कैसे आप इंपोर्ट करेंगे, मतलब कैसे उसे डाउनलोड करेंगे अपने गैलरी में। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है बहुत से यूट्यूबर के, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत से ऐसे बंदे होते हैं वो समझ नहीं पाते। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप इसे प्रेस कर लीजिए। जैसे प्रेस करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट इमेज, इसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक नीचे यहाँ पर दोस्तों कस्टम, इसे कस्टम जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों वेरी हाई कर दीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा क्वालिटी उसका बन जाता है। उसके वेरीफाई करने के बाद दोस्तों इसे सेव टू गैलरी कर दीजिए। दोस्तों मेरा कुछ देर में भी हो जाएगा। अब दोस्तों मेरा ये पूरी तरीके से बन चुका है, और चलिए दोस्तों मैं अपने गैलरी में चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरा ये जो लोगो है, जो मेरा थंबनेल है, वो बन चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा थंबनेल बन चुका है, और ये बनाने के बाद दोस्तों मैं अपने गैलरी में भी इसका यूज कर चुका हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना भी जूम करें दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छा क्वालिटी है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यह सारा सेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो करिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप मेरा एक ब्लॉग वाला चैनल है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं डेली लाइफ स्टोरी आप सभी के बीच शेयर करता हूँ। और दोस्तों मुझे आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको नए टेक्निकल वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।